सबसे पहले पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का चरण स्पर्श करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। उन्हीं की पवित्र उपस्थिति में आज के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, साथ ही में हमारे बीच उपस्थित सांसद गोपाल शेट्टी जी, राजपुरोहित जी, गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, अमरजीत मिश्र जी, हमारे गौतम भंसाली जी, बदनलाल तातेड़ जी, सुरेंद्र बोरड़ जी, सभी यहां पर उपस्थित महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की ओर से पूज्य आचार्य जी का महाराष्ट्र की भूमि में, मुंबई की भूमि में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। 60 वर्षों के बाद आचार्य जी मुंबई की इस धरती पर, इस धरती को पवित्र करने के लिए चातुर्मास यहां पर करेंगे। ये मुंबई करो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का आयोजन है और इसलिए मैं उनका मन से और दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि पूज्य आचार्य जी ने जिस प्रकार से हमारे देश में एक नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाने का काम पूज्य आचार्य जी ने किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि आज इससे बड़ी समाज की और देश की सेवा दूसरी नहीं हो सकती कि हमारे समाज को और हमारे देश को हम नशे से मुक्त करें और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें हम संस्कार दें और नशे से दूर रखें। हमेशा हम लोग ये जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ऐसा कहते थे कि किसी भी देश का नाश करना है या समाज का नाश करना है तो उसकी पीढ़ियों को आत्म केंद्रित कीजिए और लतखोर बनाइए, तो किसी भी युद्ध के बिना उस देश को गुलाम बनाया जा सकता है। और आज हम लोग देखते हैं बड़े पैमाने पर हमारे देश में पड़ोसी देशों से ड्रग्स स्मगल करने का, हमारे देश के बच्चों को लतखोरी में डालने का, नशे में डालने का एक बहुत ही प्रयास लगातार चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी है। हम लोग लगातार ड्रग पेडलर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जो आका है उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई तभी सफल होगी जब इसके पीछे एक आध्यात्मिक ताकत खड़ी होगी, जो ताकत हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को मन का संकल्प देगी, मन की ताकत देगी और हमारे युवा जिस समय स्वयं ही इन नशों से दूर होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे। ये लड़ाई केवल पुलिस के भरोसे या कानून के भरोसे नहीं जीती जा सकती, ये नैतिक मूल्यों के भरोसे जीती जा सकती है, ये संस्कारों के भरोसे जीती जा सकती है और उन नैतिक मूल्यों को और संस्कारों को हमारे समाज में लाने का काम ये
हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जो कार्य आपने किया है, मैं ऐसा मानता हूं हमारे देश को एक शक्तिशाली देश बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का ये कार्य सिद्ध होगा। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने सुखी जीवन का रास्ता भी हमको बताया है। उनके लेखन के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से जीवन में सुख क्या है ये हमें पता चलता है। भौतिकता की लड़ाई में हम लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि जीवन के सुख को भूल गए और भौतिक सुखों को ही हमने सुख मान लिया, लेकिन असली सुख क्या है ये आचार्य श्री ने हमको बताया। और मैं ऐसा मानता हूं कि आचार्य जी के विचार जिनके समझ में आएंगे वो जीवन में दुखी नहीं हो सकते, वो जीवन में अभाव में भी सुखी रहेंगे, ऐसे विचार आचार्य श्री ने हमको दिए हैं। इसलिए मैं आज मुंबई की और महाराष्ट्र की तमाम जनता की ओर से आचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस चातुर्मास में उनके माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित होंगे, लाखों लोगों तक संस्कार और विचार पहुंचेंगे, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने यहां पर चातुर्मास का आयोजन किया, उस आयोजन समिति का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पूज्य आचार्य श्री को, जो हमारे राष्ट्र संत है, उनको यहां पर आपने निमंत्रित किया, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र।